शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सच बता आशी, तेरा कभी शादी करने का मन नहीं करता? नहीं प्रीति, हमारे लिए तुम, बाबा, काकी, विद्या दी, तुम सब लोग काफी हो। हम अगर कहीं रहना चाहते हैं तो तुम चारों के साथ रहना चाहते हैं। हम अगर किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वो बाबा और काकी के लिए करना चाहते हैं। हमारे लिए इस परिवार की खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है निधि। तुम लोग खुश हो ना, बस इसी में हमारी खुशी है। लेकिन प्यार के बिना जिंदगी अधूरी है आशी। ठीक, ये हमने पूरी लिस्ट बना ली है। अरे यार, देख के चलो ना दीदी, उसका ध्यान रखना। बाबा बाबा, हमें आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल बेटा, बोल। वो विद्दी के बारे में बात करनी है बाबा। अरे विद्दी, फिर वही। सॉरी 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 बाबा, बोल क्या बात है। आओ आप बाबा। हाँ अरे सुनो, तुम उसको फोन करके बोलो डेकोरेशन वाले को कि मैंने बुलाया अर्जेंट, जाओ। हाँ बोलना क्या बात है बाबा। आपको नहीं लगता आशी बहुत अकेली है? कुणाल भाई को इस दुनिया से गए हुए बहुत साल हो गए। आपको नहीं लगता उसको अपने हिस्से की खुशियां मिलनी चाहिए? क्या उसका कोई हक नहीं कि अपना बीता हुआ कल पीछे छोड़कर वो आगे बढ़े अपनी जिंदगी में, खुश रहे? जो खुशी हम विद्या दी के चेहरे पर देख रहे हैं ना, हम चाहते हैं आशी के चेहरे पर भी वही सब खुशियाँ दिखे। वो अपनी जिंदगी में खुश रहे, शादी करे, जिंदगी में आगे बढ़े। तो सचमुच इतनी बड़ी हो गई क्या? बेटी किसकी हो, समझदार तो हो ना बाबा। ओहो हाँ, मुझ पे गई है। बात तो सही कह रही बेटा तू। ये ख्याल तो मेरे दिल में भी कई बार आया, पर क्या करूं यही समझ नहीं पाया। पर अब कुछ तो करना होगा, मुझे अमिता से बात करनी ही होगी। मालकिन, हम क्या कह रहे थे ना कि विद्या बेबी की शादी में ना हमको भी डिजाइनर साड़ी दिलाई दे दो। हाँ हाँ, दिला देंगे। वैसे हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारी विद्या को इतना अच्छा लड़का, इतना अच्छा घर परिवार मिलेगा। अब भगवान से यही प्रार्थना है कि हमारी निधि को भी ना इतना ही अच्छा घर परिवार मिले, तो हम अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे। और आशी, वो भी तो हमारी जिम्मेदारी है, हमारी बेटी है। बेटी नहीं है वो, हमारी हमारी बहू है, हमारे कुणाल की पत्नी है वो। और क्या कुछ नहीं किया हमने उसके लिए, अपनी सारी जिम्मेदारी निभाई और बदले में उसने क्या किया हमारे लिए? हमसे हमारा बेटा छीना है, हमसे हमारी सारी खुशियां छीनी है उसने। उसने हमसे हमारा बेटा नहीं छीना है, अरे बल्कि उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। कभी उसने हमारी कोई बात नहीं डाली है, हमेशा हमारा मान रखा है। अच्छा एक बात बताओ, जब निधि और विद्या चली जाएंगी तो आशी तो बिल्कुल अकेली रह जाएगी ना? क्यों अकेली रहेगी वो, हम हैं ना उसके लिए। और हमारे बाद क्या होगा उसका? हमारे बाद देखो, अभी उसकी सही उम्र है, हम एक अच्छा सा लड़का देख करके उसकी शादी कर देते हैं। बट अब उम्र निकल जाएगी तो अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। कोई जरूरत नहीं है आशी के लिए लड़का ढूंढने की। आशी हमारे बेटे कुणाल की पत्नी है, मत बोलिए आप। हमारा बेटा जरूर वापस आएगा, उसकी माँ उसका इंतजार कर रही। और रही बात आशी की, इस जन्म में उसके हाथों में सिर्फ कुणाल के नाम की रेखा है। जल्दी से तैयार हो जाइए, देर हो रही है हमें। Babe, let's dance. गीत मुझे डांस नहीं आता, तुम करो ना। तुम्हारी गीत है ना, मैं सब सिखा दूंगी। चलो एक सेकेंड, गीत कॉल आ रहा है, इंपॉर्टेंट है, तुम करो ना डांस प्लीज।
मिनट रुकना, मैं आया। क्या कमाल लग रही है। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अच्छी लग रही हो। थैंक यू। ये इस आशी को इतना क्यों घूर रहा है? अरे आप आइए ना। हमारी बहू कितनी सुंदर है। अरे ब्यूटी चुल तो होगी ना भाई, रिश्ता किसने करवाया? कामिनी ने करवाया। हाँ। और कामिनी ने आज तक ऐसा कोई रिश्ता नहीं करवाया जो फेल आउट हो गया। विद्या। मॉम। हाँ। मेरे फ्रेंड से मिलो। आप एक्सक्यूज मी। हाय, आई एम वी। सिड, अब मैंने डिसाइड किया है कि हम हनीमून के लिए अब्रॉड जाएंगे। अच्छा, ये हनीमून की बातें तो बाद में भी हो जाएंगी, चलो अभी डांस करते हैं। चलो ना। गीत गीत प्लीज, मैं डांस नहीं कर सकता, तुम करो ना। नेफ्यू को छोड़ो ना यार, उसकी बुआ खड़ी है, चलो कमिंग कमिंग डांस डूइंग करते हैं। दीदी, हर कोई अपने पार्टनर के साथ डांस कर रहा है, हम भी चलते हैं, चल चल। निधि, चुपचाप यहाँ पे खड़ी रहे। हाँ, डांस करना है। कोई बात नहीं, तू नहीं चल रही है तो हम यही बैठेंगे और डांस। निधि पागल हो गई है क्या, कितनी नखरे दिखा रही है। तो चल ना। मुझे कैसे भी करके आशी के साथ डांस करना है। ब्रो, कोई दूसरा म्यूजिक लगाना।
दूर रहने की कोशिश करूं, लेकिन दूर रह ही नहीं पाता हूं।